हैं उसको भी चेक कर रही हैं। तो ये भी किलो चीनी का अरसा बना रहे हैं, तो अभी हम लोग मामी साल भर का झाड़ू हो जाएगा लग रहा है। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी बारला ब्लॉग्स, और मैं हूँ आप सब उनकी दोस्त मेरी बारला। गुड मॉर्निंग, और आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आज है दिसंबर का 23 तारीख, और हमारे यहाँ पकवान सब तो पहले से स्टार्ट हो गया है बनने के लिए। तो आज मैं अरसा रोटी बनाने वाली हूँ, और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अब इधर देखिए मेरे बैक साइड, इधर चूल्हा तो जल ही गया है। इधर बस थोड़ी देर में भी हम लोग अरसा रोटी सब बनाना स्टार्ट करेंगे, तो मैं थोड़ी सी लकड़ी वगैरह ले करके आती हूँ। आप लोगों को यहाँ पूरे जंगल जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा बगान का एक कोना है, और ये जो पेड़ है ना ये सूख गया था, तो इसी पेड़ को भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम लोग काट रहे हैं, और इसी से जो भी ये लकड़ी वगैरह हम लोग निकाल रहे हैं। तो मैं लकड़ी लेने के लिए हूँ, तो पहले मैं लकड़ी चुन लेती हूँ। चलिए, और ये सामने जो बैठी हुई है ये मेरी मामी सास है। आप लोगों को इस हाय बोल रही है। तो एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझको अरसा रोटी बनाना नहीं आता है, तो जब भी पर्व आता है तो मामी ही आती है मेरे पास, और अरसा रोटी मेरे लिए बहुत सारा बना के जाती है। तो आज भी हम लोग अरसा रोटी बना रहे हैं, और उसी की वीडियो मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर करूँगी। तो आज मामी आप लोगों को अरसा की रेसिपी बताएगी। तो अभी मामी पानी डाल रही है डेक्ची में, पहले एक कटोरी डाल रही है, एक कटोरी, और इसके आधा कटोरी। कितना साइज मामी दिखा दे, ये साइज का कटोरी है, तो इससे लगभग डेढ़ कटोरी मामी पानी डाली है। अब पानी थोड़ा सा गर्म होगा तो वेट कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग एक किलो चीनी का अरसा बना रहे हैं, तो अभी हम लोग मामी एक किलो चीनी डाल रही है डेक्ची में। पहले पानी खौल गया, उसके बाद फिर हम लोग चीनी डाल रहे हैं। अब चीनी और पानी दोनों को अच्छी तरह से पकाना है। पहले ये चावल का आटा है, इसको हम लोग ढेकी से कूटे हैं, ये बहुत बारीक पीसा हुआ है, तो इसी से आज हम लोग अरसा रोटी बनाएंगे। और इधर हमारा पाक भी तैयार हो रहा है, लगभग अभी खौल रहा है, इसको बीच बीच में चेक करते रहना होता है। ये इसमें एक तार वाली चाशनी बननी चाहिए, तब जाके अरसा बहुत अच्छा बनता है, और बीच बीच में चलाते रहना होता है। तो अभी मामी चेक कर रही है, हाँ तो तैयार हो गया है बोल रही है मामी। अब इसको हाथ से तो चेक कर ली, अब इसको पानी में भी एक बार चेक करेगी। पानी है, पानी में भी चेक करना होता है, तो पानी में चेक करने से इसमें जब हम लोग डालेंगे चाशनी तो वो नीचे जा करके बैठ जाता है। तो ये भी तैयार हो गया है बोल रही हैं। तो अब इसमें हम लोग चावल का आटा डालेंगे, और मामी अभी चावल का आटा थोड़ा सा चूल्हा में डाल रही हैं, और बीच बीच में अब इसमें चावल डाल के इसको चला रही हैं, और ऐसे इसको बीच बीच में इसे चलाते रहना होता है। थोड़ी देर में मैं भी हेल्प करूँगी मामी की, क्योंकि इसको थोड़ा पकड़ना भी पड़ेगा, अकेले से नहीं हो पाता है। अब इसमें महाकाल टेस्ट के लिए थोड़ा सा हम लोग सौंफ डाल देते हैं, नारियल है। मामी तेल में थोड़ा सा अदरक डाल दी है, इससे क्या होता है कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं वो भी चेक हो जाता है, और अदरक का फ्लेवर भी आ जाता है अरसा में, तो इसलिए थोड़ा सा अदरक भी डाल दी है। और इधर जो डेक्ची है इसमें हम लोग नीचे पत्तल दिए हैं, इस तरह से ये पत्तल है, और उसके बाद में फिर न्यूज़पेपर डाल दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि रोटी जो है वो सॉफ्ट बनता है, और सॉफ्ट ही रहता है, वो हार्ड नहीं होता है जल्दी, इसीलिए हम लोग ऐसा डालते हैं, और तेल तेल नहीं होता है। और अभी मामी फर्स्ट रोटी इसमें अभी डालेंगी, तो ही बना रही है। और फर्स्ट वाला जो हम लोग रोटी बनाते हैं ना, इसको हम लोग अपने बड़े बुजुर्ग लोग को देते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा जो हमारे साथ में नहीं हैं, तो वो लोग जहाँ कहीं भी हैं तो उनके नाम से हम लोग ये सब देते हैं। फर्स्ट वाला जो रहता है उसको बनाते हैं, और उसको हम लोग चूल्हा में डाल देते हैं। आप लोग को थोड़ा सा ये अंधविश्वास जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा हम लोगों को मान्यता है कि जो भी हमारे मम्मी पापा जहाँ भी हैं
तो भी हमारे साथ में है, तो इसीलिए मामी उनके नाम से एक रोटी जो है वो चूल्हा में डाल दी है। देखती मैं रखूँ इसको, ऐसा नहीं बोलूँगा। आज का और काम क्या होता है? हम लोगों का चीनी अरसा बन गया है, अब मामी गुड़ अरसा के लिए पानी डाल रही है। ये पानी खौलेगा, उसके बाद फिर गुड़ डालेंगे, फिर हम लोग गुड़ अरसा बनाएंगे। देखो इसे सहा है और किसी नहीं जरा हम लोग सब मिल करके आग के पास बैठ के वर्षा बनाएंगे। मामू अभी ही यहाँ पहुँचे हैं सुबह सुबह। अब हमारा गुड़ भी लगभग पक रहा है और इसका पाक भी रेडी हो रहा है। अब इसको भी चेक करके देखेंगे हम लोग, ये नहीं हुआ है अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए हम लोग कितने सारे लोग मिल करके रोटी बना रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि हम लोगों का घर, आप लोगों को परब परब वाला घर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग फिर से पाक को चेक करते हैं, तो ये पाक लगभग रेडी हो ही गया है, तो इसमें अब हम लोग चावल डालेंगे और फिर से इसको पकाएंगे, उसके बाद अरसा बनाएंगे। और मामी फिर एक तार वाली चाशनी बनी है कि नहीं उसको भी चेक कर रही है, तो ये भी बन गया है। अब मामी इसमें चावल डाल डाल के इसको चला रही हैं, तो मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। जैसन भिजन ने मामी जैसन बनाए उसने जन बनाई मामी के अरसा, तो इसलिए भी बहुत सुंदर बने बता भी मामी कितना कितना डालू। अगर ये पाक ना हम लोग सही से अगर सही अमाउंट में नहीं डालेंगे तो सही से नहीं बनता है, रोटी भी कड़ा कड़ा बनता है, तो मामी को तो सही अंदाज़ा है, इसलिए मामी का रोटी टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है, बहुत सॉफ्ट भी रहता है। मामी हर साल मेरे लिए बना देती है रोटी, इसलिए मैं ये सीख भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं ट्राई ही नहीं करती, इसलिए मैं नहीं जानती हूँ। इसमें मामी नारियल और सौंफ मिला दी है और इस अब तेल गर्म हो रहा है, तो इसको भी हम लोग फ्राई करेंगे और साथ साथ में अभी बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम लोग चाय भी पी रहे हैं। हम लोग सुबह से ही आज रोटी बना रहे हैं और अब दोपहर भी हो गई है, हमारा खाना पीना भी अभी बन रहा है और मामी और मामू देखिए उधर बना ही रहे हैं रोटी। ये वाला है गुड़ अरसा और इधर चीनी अरसा है और कुछ अंदर भी है और इधर हमने निमकी बनाया है। निमकी में थोड़ा हवा लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसे हम लोग प्लास्टिक में और बयाम में बंद करके रखे हैं। और अब तो सारा चीज़ बन ही गया है लगभग, हमारा खाना सब भी बन रहा है। इधर मामी और मामू जो है इधर बना रहे हैं अरसा, उधर में खाना बन रहा है और घर में सब्जी वगैरह बन रहा है। इसके बाद अभी हम लोग नहाएंगे धोएंगे फिर खाना वगैरह खाएंगे। अभी हम लोग का अरसा निमकी सब बन गया है, तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद मामू लोग भी घर जाएंगे क्योंकि मामू लोग का भी घर में बहुत काम है और परब का तैयारी सब करना है, इसलिए वो लोग निकलेंगे। तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं हम लोग, तब तक वीडियो में बने रहिए। देखिए मामी मेरे लिए कितना सारा झाड़ू लेकर के आई है, देखिए साल भर का झाड़ू हो जाएगा लग रहा है। मामी और मामू जो है वो घर निकल रहे हैं, तो मेरे तरफ से मैं कुछ संदेश देना चाहूंगी, वो ज्यादा नहीं है बस थोड़ा बहुत है, वही मैं दे रही हूँ मामी को। आज का वीडियो मैं यहीं पर अंत करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।